समझ नहीं आ रही कुछ। ओके गाइस, फिलहाल ये कुछ ऐसा लग रहा है। पानी। पता नहीं आजकल मम्मा को क्या हो गया, हर चीज में इतनी मिर्ची डालने लगी है। मैं स्पाइसी फूड खाती हूँ। देखो ऐसी स्किन होनी चाहिए इंसान की। हेलो मेलोज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज पहला रमजान होगा, मतलब आज हमने सहरी करनी है और 12 को सहरी करेंगे, 10 को सहरी करेंगे, 11 को इफ्तारी करनी है, मतलब कुछ ऐसे ही है। तो अब सीन ये है कि मुझे ना रमजान वाला माहौल नहीं लग रहा। मैं हर साल डिकोर करती हूँ रमजान की, ये पिछले साल की वैसे लगी हुई, ये मैंने खरीदे नहीं थे, ये मैंने खुद बनाए थे, ठीक है। मैं पिछले साल इतना कंसिस्टेंट नहीं थी सोशल मीडिया पे, इनफैक्ट मेरा जो सोशल मीडिया था वो प्राइवेट था, तो मुझे ईजी सीन था कि हाँ मैंने आराम से खुद सारा कुछ हैंडमेड बना के डिकोर की थी, ठीक है। ये पिक्चर्स हैं पिछले साल की डिकोर की। मैं अब चाह रही हूँ कि मैं डिकोर करूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने अर्जेंटली डिलीवर करवाई हैं चीज़ें। अ बिग शाउट आउट टू दराज का इन्वेंटो स्टोर है, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। मैंने स्टोरी लगाई थी अपने अकाउंट पे कि अगर कोई मुझे अर्जेंटली डिलीवर कर सकता है, द स्टाफ वाज सो काइंड, जिसका वो स्टोर है वो खुद गया है और उसने पूरा वो क्राफ्ट करवा के मेरे लिए रमजान करीम की डिकोर भेज रहा है, तो थैंक यू सो मच। और बाकी ये कि अभी मुझे डिकोर करनी है, रात के 11 बज गए, मेरे पास 4 घंटे हैं डिकोर करने के लिए, अल्लाह करे हो जाए तब तक। अब मुझे करनी है मेन फोकस हमारा डिकोर, फिर हम करेंगे सहरी, फिर हम करेंगे इफ्तारी, मतलब ये होगा काइंड डे इन माई लाइफ। व्लॉग देखते रहो ताकि तुम मेरी फर्स्ट रमजान की पूरी जर्नी देख सको। लेकिन पहले हमने करनी है डिकोर जो करनी है वो ये जगह है, टीवी लाउंज का ये वाला कॉर्नर, इधर ऑलरेडी रग लगा हुआ ये वाला, तो यहाँ ये कॉर्नर सबसे बेस्ट होता है डिकोर के लिए। तो अब सीन ये है कि मैं इधर करने लगी हूँ इस कॉर्नर को फिल, बाकी ऊपर ये ऑलरेडी हुआ है, इसको रिमूव नहीं करेंगे, बेशक ये पिछले साल के लेकिन अच्छा लग रहा है। मेरे पास ये कुछ नेट्स पड़ी हुई है, मैं ये सोच रही हूँ कि इस साल वाइट नेट में इधर कर दूँ और ऑरेंज नेट को इधर कर दूँ, काम पे लगते हैं। मैं इसको मीटर से काट के इसका कर्टन बना सकती हूँ, तो हमारे पास ऑप्शन ऑरेंज भी है। जल कर दी रमजान, ज़ैनब रमजान, अप्रूवल मिल गया हमें नेट्स का। रमजान, मुझे नहीं पता था कि घर कीली पड़े हुए और ये हैं वायर में लगाने वाले, लेकिन इसके अंदर तो छोटे कील हैं, तो हम इसके अंदर से कील निकालेंगे। वैसे मैं आधी मजदूर हूँ, तुम्हें पहले बता रही हूँ। अब सीन ये है कि इसके अंदर होता है प्लास्टिक और ये वायर कुछ, बस कोई वायर लटक रही है दीवार में, तो ये जो होता है ना ये ग्रिप कर लेता है, ये चीज ग्रिप कर लेती है और जो कील है वो टक 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 टक, ठीक है। क्या है कि मैं इसमें से ये जो कील है ना ये ट्विस्ट करके, टडा, कील आ गई है, ठोकना रह गया, आओ ठोके, लग गया, मैं रख के भूल गई, डन। रमजान, ज़ैनब, मेरे स्टेप निकल रहे हैं पता नहीं क्यों। एक मिस्टेक हो गई है, मुझे जो वो वाला कील था ना उसको थोड़ा आगे करके लगाना चाहिए था, मजा नहीं आ रहा, आगे करके लगाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं हुआ अभी। गाइस फिलहाल ये कुछ ऐसा लग रहा है, और डिकोर माशाल्लाह इतनी प्यारी भेजी है उन्होंने, ये मुझे काम नहीं करने दे रहा, आई या। और अब हम इसको ऐसे लगाएंगे, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह इट लुक्स सो गुड, बाय बाय। ओके गाइस, ये मैंने इसके हैंग कर दिए हैं। ओके सो द नेक्स्ट स्टेप इज द कैमल्स, ऐसे 1, 2 और 3। अच्छा ये डिकोर अभी पूरी नहीं हुई, वहाँ पे बटरफ्लाइज रह गई हैं और ये स्टूल है जिसको मैं पेंट कर रही हूँ अभी, अभी भी ये फुल लुक नहीं है, अभी बटरफ्लाइज रहती हैं, तो सॉरी थोड़ा सा प्रोसेस मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। यार मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सारा पेंट मेरे से नीचे गिर गया, टाइल्स गंदी हो गई हैं, बट इट्स ओके। अब सीन ये है कि मैंने ये पेंट कर दिया, ठीक है, तुम लोग को पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी क्योंकि मैं थक बहुत चुकी हूँ और फ़ोन भी चार्ज नहीं, क्योंकि सहरी का भी टाइम हो गया है, 2:30 हो रहे हैं, फिर हम सहरी पर मिलेंगे, मेरी कमर टूट गई है, सारा कंप्लीट करके मिलते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज द फाइनल लुक। मुँह हाथ धो लिया, सहरी रेडी है, पता नहीं मैंने काम ज़्यादा कर लिया, पता नहीं क्यों खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा, पता नहीं आजकल मम्मा को क्या हो गया, हर चीज़ में इतनी मिर्ची डालने लगी है, मैं स्पाइसी फूड खाती हूँ। दस मिनट गाइस, मैंने दही भी खाना है, 10 मिनट रह गए यार, मेरे टमाटर नहीं खत्म होते, 10 मिनट रह गए और चावल फंस गए मेरे गले में, ओए मेरे दही में चावल गिर गए यार। उफ्स गाइस, मैं ऐसे ही डिकार लेती हूँ, डन डन। ओए रमजान मुबारक।
रमजान मुबारक। मम्मा आप क्या अंग्रेज के बच्चे बन रहे हो, रमजान रमजान होता है। सॉरी रमजान मुबारक। तो नमाज मैंने पढ़ ली है, अब हम करेंगे स्किन केयर, क्योंकि स्किन केयर नहीं भूलनी भाई, ज़रूरी है। तो यार सीन ये है कि मैं करती हूँ हर रमज़ान में कुरान मुकम्मल, लेकिन मैं आज सब बहुत ज़्यादा बिजी थी डिकोर की वजह से, तो मैंने सोचा कि मैं कल से स्टार्ट करूँगी कुरान पढ़ना। हर साल मैं वही होता है रमज़ान से एक दो दिन पहले स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन मैं कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी। मतलब कल तो हो चुकी है ना फजर पढ़ ली, मतलब सुबह जब मतलब सूरज वाली सुबह हो जाएगी। क्या साइकी है मेरी। और तुम लोग अगर अभी तक मेरी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो कमेंट हैप्पी रमजान इन माय कमेंट सेक्शन, ताकि तुम लोग मेरे मुझे पता लगे तुम लोग मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हो। कमेंट हैप्पी रमजान। और अगर तुम लोग वाकई मेरा अभी तक व्लॉग देख रहे हो ना, बहुत हिम्मत वाले हो तुम लोग। डोंट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर लिप्स, क्योंकि रमज़ान में हो जाती है डिहाइड्रेशन और आपके लिप्स हो जाते हैं ड्राई। रिमाइंडर, रमज़ान में डिहाइड्रेट नहीं होना, अपनी सेहत का ख्याल रखना और खुश रहना है, लोगों के गुनाह माफ़ करने हैं और अपने भी गुनाह माफ़ करवाने हैं। और शैतान तो कह दोगे, लेकिन तुम लोग भी तो शैतान हो, अपने अंदर के शैतान को काबू रखना। बस यही मैसेज था। ये है वैक्स परफ्यूम, और तुम लोगों को अगर नहीं पता तो मैं रात को बहुत खुशबूदार होकर सोती हूँ। पता नहीं क्यों अब्बा जी की आदत मेरे में अंदर है, क्योंकि यार इंसान साफ़ सुथरा ना रहे तो तुम इंसान हो भी, अगर तुम साफ़ सुथरे नहीं हो तो जहर लगते हैं मुझे वो लोग जो अपना ख्याल नहीं रखते और गंदे रहते हैं, स्पेशली उनके पैर गंदे होते हैं। आई एम सॉरी किसी को ये चीज़ ट्रिगर कर रही होगी, लेकिन प्लीज़ अपने हाथ पैरों का ख्याल रखा करो, क्योंकि हम इंसान हैं और सफाई निस्फ ईमान है। ओके गाइस, मैंने स्पारा पढ़ लिया, लेकिन अब मैंने व्लॉग एडिट करना है। जो तुम लोग व्लॉग देख रहे हो, मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं अभी एडिट करना स्टार्ट कर दूँ, तो अभी मैं बस कुछ करने के लिए नहीं है, असर की नमाज में भी टाइम है, क्या करूँ तब तक सो जाऊँ, मैं फिर सुस्ती पड़ जाएगी और काम नहीं होगा, देखते हैं। मैं जब तक छील देती हूँ ना। आलू के फोड़े निकले गए। हम इतना डर रहे थे डिकोर करते थे कि मामो छोड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी तमीज दिखा रहे थोड़ी सी, क्योंकि पहले मैं बस पेट नहीं था, अब हमने एक जानवर रखा। जानवर तू हूँ, जानवर तू हूँ। ये देखो, मतलब मम्मा को हमसे प्यार नहीं, जानवर से ज्यादा प्यार है। मामा बाबू चेरी है। माँ है तो जानवर ना यार, लॉजिकली बात करो आप। बस मैंने बहुत काम कर लिया है, अब हम सिर्फ खाएंगे इफ्तारी टाइम। साढ़े 400 के होटल कर रहे हैं, पता नहीं लगा रोजेगा। बेशक तुम मुझे जानवर कह दो, लेकिन ये सब मैं खाऊंगी, भूख लग रही है। पेट इतना भर गया है, अब समझ नहीं आ रही कि मगरिब की नमाज़ पढ़ के सजदे में कैसे जाऊँगी। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग, आई होप यू गाइज एंजॉयड। रमज़ान मुबारक, अल्लाह तुम लोग के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह हमें रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, सारे मुसलमानों को रमज़ान मुबारक जो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। बाय बाय।